अपने प्ले स्कूल को कहाँ लोकेट करें, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप किस तरह का प्ले स्कूल खोल रहे हैं। बिकॉज प्ले स्कूल मार्केट में बहुत सारे प्ले स्कूल बनते हैं, आप अपर मार्केट के लिए बनाते हो, अपर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, इवन अपर मिडिल क्लास के लिए। सो हर ब्रांड का, हर की पोजिशनिंग अलग है। तो आपको अगर आप अपना स्कूल खोल रहे हैं, अगर आप एक लोकल स्कूल खोल रहे हैं, तो आपको अपनी पोजिशनिंग खुद डिसाइड करनी बेस्ड ऑन कि मैं आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी स्पेस है, उसके बेसिस पे आप टारगेट ऑडियंस चुनेंगे। आपको ये देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस आपके एरिया में है या नहीं। तो आपको, बिकॉज प्ले स्कूल्स में पेरेंट्स बच्चों को दूर नहीं भेजते, चाहे कितना भी अच्छा स्कूल हो, तो आपको कोशिश करनी जिस भी टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट करने जा रहे हैं, वहाँ उसके उनके पॉपुलेशन के बीचों बीच आपका स्कूल होना चाहिए। तो एक्सेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप टारगेट ऑडियंस है उसके उनके पास रहे। तो दोनों तरीके होते हैं, आप एक टारगेट ऑडियंस ढूंढ सकते हो अपने एरिया में कि ये टारगेट ऑडियंस है, और अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप सोच सकते हैं कि मेरी लोकेशन और इन्वेस्टमेंट ऐसी है और मेरी टारगेट ऑडियंस इसलिए ऐसे बनने वाली है। दोनों तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट बी नियर योर टारगेट ऑडियंस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।